देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूं प्राची तिवारी। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि राज्य की पिछली भाजपा सरकार की तरह कांग्रेस की वर्तमान सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्ति करेगी। अकबर ने बिलासपुर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि ये सही है कि उन्होंने पिछली सरकार द्वारा की गई संसदीय सचिवों की नियुक्ति का विरोध किया था और इस संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की थी। छत्तीसगढ़ की 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया। ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रेमलता चक्रेश, दुर्ग जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मीना वर्मा और कोरबा जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूनम बिंझवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सम्मानित करते हुए दिया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में फरवरी में देश भर के हजारों कलाकार जुटेंगे और अपना हुनर पेश करेंगे। 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक अखिल भारतीय बहुभाषीय नाट्य पर्व का आयोजन बस्तर हाई स्कूल में किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर संस्था के पदाधिकारी जुट गए हैं। अभियान संस्था द्वारा हर 2 साल में किया जाने वाला नाट्य पर्व इस बार भी धूमधाम से मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मजदूर किसान संगठन द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को घेरने की कोशिश अब एक बार फिर शुरू हो गई है। लोकसभा का चुनाव मई में होगा। चुनाव से पहले केंद्र सरकार को घेरने और उनकी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए मजदूर किसान संगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 8 और 9 जनवरी को मजदूर किसान संगठन द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कृषि पंपों की बिजली दर के लिए टैरिफ में अलग कैटेगरी बनाने का प्रस्ताव वितरण कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग को दिया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयोग को दिए टैरिफ प्रस्ताव में कंपनी ने इसके लिए अलग LV1A कैटेगरी बनाने का आग्रह किया है। अभी तक कृषि और उससे जुड़े उद्योगों की बिजली दर LV3 श्रेणी में रखी जाती थी। तो ये थी छत्तीसगढ़ बुलेटिन की आज की तमाम बड़ी खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।